आइए जानते हैं ऐसी कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने सिलिकॉन इम्प्लांट करवाया है। आयशा टाकिया। आयशा टाकिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिलिकॉन इम्प्लांट के जरिए अपने ब्रेस्ट का साइज बढ़वाया है। जब आयशा ने डेब्यू किया था तब की फोटो और उसके कुछ समय बाद की फोटोज देखकर उनकी ब्रेस्ट सर्जरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कंगना रनौत। कंगना ने 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया था। कुछ एक फिल्मों के बाद 2011 में आई फिल्म रास्कल्स में वो बिकिनी पहने नजर आई थी। कंगना के बदले हुए फिजिक को देख ये साफ हुआ कि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट का सहारा लिया है। सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर सुर्खियों में आई सुष्मिता सेन ने 1996 में दस्तक फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कुछ फिल्मों के बाद अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट का सहारा लिया। सुष्मिता की बिफोर एंड आफ्टर फोटोज देखकर ये साफ है कि उन्होंने सिलिकॉन इम्प्लांट करवाया है। बिपाशा बसु। अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड की डस्की एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने ब्रेस्ट इम्प्लांट का सहारा लिया है। नोज जॉब और बोटॉक्स के साथ साथ फिगर को परफेक्ट करने के लिए बिपाशा ने सिलिकॉन इम्प्लांट भी करवाया है। श्रीदेवी। साल दर साल श्रीदेवी के बॉडी फिजिक में काफी अंतर देखने को मिला है। पुरानी और अभी की फोटोज पर नजर डालें तो कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने भी सिलिकॉन इम्प्लांट करवाया था। राखी सावंत। राखी सावंत ने साल 2007 में दिए एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि उन्होंने सिलिकॉन इम्प्लांट करवाया है। इसके सवाल पर बड़बोली राखी ने बताया, कई एक्ट्रेसेस ऐसा कराती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किया तो कौन सी चोरी की या गुनाह किया। मलिका शेरावत। मलिका शेरावत की बिफोर एंड आफ्टर फोटोज से क्लियर है कि उन्होंने भी ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है, हालांकि इस बात को उन्होंने कबूल नहीं किया है। कई मौकों पर वो अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करती दिखाई देती हैं। शिल्पा शेट्टी। शिल्पा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कर्वी बॉडी और बेहतरीन लुक्स पाने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट के साथ नोज जॉब भी करवाई है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।